हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पाप नाशनी माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन गंगा नदी में स्नान करता है उसे 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल 2022 में गंगा दशहरा 9 जून को है। बता दें कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए आपको बताते हैं कि राशि अनुसार किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा के दिन मेष राशि वाले लोगों को लाल या सफेद रंग के कपड़े दान करने चाहिए। वृष राशि के लोगों को अन्न दान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले इस दिन अपने घर, किसी सार्वजनिक स्थान या फिर मंदिर में पानी के प्याव की व्यवस्था करके पुण्य कमा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को इस दिन फलों अथवा मिठाई का वितरण करना शुभ माना गया है। सिंह राशि वाले इस दिन अनाज या तांबे धातु से बने किसी बर्तन का दान कर सकते हैं। कन्या राशि वाले इस दिन ब्राह्मण या पुजारी को फल और वस्त्र दान कर सकते हैं। तुला राशि वाले लोग इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को गंगा दशहरा के दिन चावल का दान बेहद शुभ माना गया है। धनु राशि वाले इस दिन गरीबों को फलों का दान कर सकते हैं। मकर राशि वाले इस दिन सरसों का तेल या काले तिल का तेल दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग मंदिर में अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का दान कर सकते हैं। मीन राशि वाले लोग जरूरतमंदों को कपड़ों का दान कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।